हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब्स स्टेशन। मैं हूँ खुशबू और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और फेस्टिवल सीजन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। अगेन हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ और जॉब्स की इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और रिक्वायरमेंट्स के साथ। सभी रिक्वायरमेंट्स इसी वीक की है, जैसा कि आप जानते हैं सारे के सारे ओल्ड न्यू रिक्वायरमेंट्स ही आपके सामने यहाँ पे लेके आते हैं। ओल्ड आउटडेटेड रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी आपके सामने नहीं लाई जाती है, लेकिन कई बार गलतियाँ हो सकती हैं। पर यहाँ पर आपको कभी भी किसी को कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को कोई भी फीस पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सही इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश की जाती है और अगेन आपके सामने मध्य प्रदेश के ही रिक्वायरमेंट्स के साथ हाजिर हैं हम। यहाँ पे आपके लिए इंदौर की रिक्वायरमेंट्स लेके आए हैं, पीथमपुर की आपको रिक्वायरमेंट्स, मुंडेदीप भोपाल की रिक्वायरमेंट्स मिलने वाली है। सो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड है मध्य प्रदेश में जॉब करने के लिए, आप मध्य प्रदेश में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी विजिट कर सकते हैं। सो आइए बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स की ओर। फर्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट है जो कि है सयाजी, लोकेशन है इंदौर, होटल का नाम है इफोटेल, इफोटेल बाय सयाजी इंदौर, इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। अगर आपको पता है तो आई एम श्योर आपको, अगर आप मध्य प्रदेश में तो आप जानते होंगे इंदौर भारत की सबसे ज़्यादा साफ सुथरा देश माना जाता है। यहाँ पर ही हायरिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है इंदौर। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है चार, फर्स्ट है कॉमी टू और कॉमी थ्री इंडियन तंदूर, सेकंड रिक्वायरमेंट है जीएसए और सीनियर जीएसए हाउसकीपिंग, थर्ड है जीएसए और सीनियर जीएसए एफएनबी सर्विस, और नेक्स्ट जो लास्ट रिक्वायरमेंट है इफोटेल बाय सयाजी इंदौर की वो है आईटी और जेटीज एफएनबी और हाउसकीपिंग। सो जेटीज के लिए तो बहुत सारे आप मैसेजेस करते रहते हैं, सो यहाँ पर आपको देखा आपने जो जेटीज के रिक्वायरमेंट्स हैं कैसे अप्लाई करना है। ईमेल आईडी है hrd@ifotelindore.com। बहुत सावधानीपूर्वक ईमेल आईडी आप लिखिएगा, गलतियाँ ना कीजिए, और जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम ज़रूर सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कीजिए। अगर रिक्वायरमेंट्स आपके काम के नहीं है तो शेयर कीजिए कुछ और लोगों तक, ताकि कुछ और लोगों की जॉब में हेल्प हो पाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो अगेन मध्य प्रदेश की है। यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, जो पहले रिक्वायरमेंट है वो मंडीदीप की है, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि भोपाल के पास है, और दो जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जो सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट है वो है पीथमपुर, जो कि अगेन एक इंडस्ट्रियल एरिया है और लोकेशन इंदौर के नज़दीक है। सो आइए बात करते हैं इस बारे में। कंपनी का नाम है सोडेक्सो, सोडेक्सो में है दो रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है फैसिलिटी मैनेजर जो कि मंडीदीप भोपाल के लिए है, जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सॉफ्ट सर्विस, और एफएमसीजी और फार्मा बैकग्राउंड मांगा गया है। और जो दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट है वह है पीथमपुर इंदौर के, जो नज़दीक है पीथमपुर वहीं की रिक्वायरमेंट है ये, जिसके लिए 5 साल का सॉफ्ट सर्विस का एक्सपीरियंस मांगा गया है, शुड हैव 3 ईयर्स फार्मा बैकग्राउंड। सो अगर आपका फार्मा बैकग्राउंड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ajay.joshi@sodexo.com। अगेन स्पेलिंग बहुत सावधानीपूर्वक नोट कीजिए, स्क्रीन में लिखी हुई है उसी पर ध्यान दीजिए, कई बार गलतियाँ हो जाती है बोलने पे। सो जो लिखा हुआ है प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और सब्जेक्ट लाइन में जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे ज़रूर मैंशन कीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके सामने है जो कि है एचआर एग्जीक्यूटिव की, लोकेशन है इंदौर, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। एनी फीमेल ग्रेजुएट हैविंग एन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड कैन अप्लाई। सो ये फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है। मस्ट हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातचीत की जो भाषा है वो अच्छी होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम नहीं है ये, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ईमेल कर सकते हैं अपना सीवी, जो ईमेल आईडी है hr2@yolaxinfra.com। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है RWS ग्रुप की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस अक्सर आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स में फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है। सो और स्पेशली इंदौर लोकेशन के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सो आज ये बात करते हैं इस बारे में। RWS ग्रुप इज़ हायरिंग फ्रेशर्स फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पर 2020 2021 के बैच पास किया है आपने,
तो आप एलिजिबल हैं। आपकी एजुकेशन होनी चाहिए MCA और BTEC फ्रेशर्स ओनली। ओके, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द टेकीज, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर्स बैच 2020-2021, हैंड्स ऑन एनी टेक्नोलॉजी, लोकेशन इंदौर, मध्य प्रदेश, टेक्नोलॉजी फ्रेशर्स हायरिंग। ईमेल आईडी है divyanshi.sengar@rws.com। तो ये थी RWS ग्रुप की रिक्वायरमेंट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है OT सॉल्यूशन की, जहाँ पर है सेल्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट। लोकेशन है इंदौर अगेन। जॉब टाइमिंग है US शिफ्ट 6 बजे से 3 बजे रात में, शाम के 6 बजे से 3 बजे रात तक, और दूसरी जो शिफ्ट है वो 6:30 शाम के 6:30 बजे से 3:30 बजे तक रात तक। अच्छा, एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने BTEC BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल के भी काफ़ी मैसेजेस थे, तो मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोजीशन है 5। UG BTEC BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल। PG अगर आपने किया हुआ है तो PG MBA और PGDM इन एनी स्पेशलाइजेशन, नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर ज़रूरी नहीं, अगर नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर 0 to 4 years अगर आप फ्रेशर्स भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ईमेल आईडी है hr@otsolutionstech.com। सावधानीपूर्वक ईमेल आईडी नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए, और सब्जेक्ट लाइन में जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर। जी हाँ, इतनी ही रिक्वायरमेंट्स थी आपके लिए। देखा आपने, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने लाने की यहाँ पे कोशिश की गई। फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट, आपके सामने जो रिक्वायरमेंट लाई गई वो थी होटल बाय सयाजी इंदौर की। आपने देखा वहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट्स थी, और सभी रिक्वायरमेंट्स के साथ में ईमेल आईडी आपको दिया गया है। अच्छा, सेकेंड रिक्वायरमेंट जो आपके सामने लाई गई वो थी सोडेक्सो, जो कि अगेन इंदौर, मंडीदीप भोपाल और पीथमपुर इंदौर के लिए थी। इसके बाद जो आपके सामने रिक्वायरमेंट लेके आई गई वो थी HR एग्जीक्यूटिव की। इसके नेक्स्ट थी RWS ग्रुप की रिक्वायरमेंट, जो कि फ्रेशर्स के लिए थी। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट आपके सामने लाई गई यहाँ पे वो थी OT सॉल्यूशन, जिसमें सेल्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी, और 5 रिक्वायरमेंट्स जिसमें आप फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स लाने की कोशिश की आपके लिए। होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल। अगर यूज़फुल है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर यूज़फुल नहीं है तो शेयर कीजिए। अगर आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जैसा भी, जहाँ पर भी आपको पॉसिबल हो, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, रिक्वायरमेंट्स शेयर कीजिए। जिनके पास जॉब नहीं है उन तक शेयर कीजिए, ताकि कुछ और लोगों की जॉब में हेल्प हो पाएगी। और किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स आप सर्च कर रहे हैं, किस लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने लाई गई, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमें कमेंट्स जो आए हैं उनके बेस पे हमने रिक्वायरमेंट्स लाए हैं, और आगे भी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स के बेस पे रिक्वायरमेंट्स लाए, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो सके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। Thanks for watching. Good luck. Goodbye.